आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 24 जून 2024 को 2015 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी संस्कृति जैन के द्वारा कार्यभार संभाला गया। इस दौरान वे सिवनी के मीडिया से रूबरू हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। उनके द्वारा मीडिया के साथ बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें साझा की गई। सिवनी की प्राथमिकताओं को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके द्वारा सिवनी को लेकर प्राथमिकताएं तय नहीं की गई। सिवनी में देखकर क्या यहां प्राथमिकता होनी चाहिए वे तय करेंगे। आइए सुनाते हैं उनका क्या कहना है संस्कृति जैन का। उसके बाद मैं माउगंज जिला माउगंज की एसडी मोटर की सरकारी जिला देवा था। मैं इसी जिला पंचायत अलीराजपुर में लगभग 2.5 वर्ष लगी हुई हूँ। मैं मेरा एक छोटा सा स्ट्रीट सतना मेरे में चल भी रहा है और मेरी अभी आखिरी दोस्ती यहाँ से पहले मैं नगर निगम आयुक्त रीवा थी। तो इस दौरान मैंने राजस्व की अलग अलग जिम्मेदारियाँ, ग्रामीण विकास की अलग जिम्मेदारियाँ, नगरीय विकास की अलग जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और मुझे अपनी कहीं तरक्की करने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैंने अभी तक सिंधु जिले के बारे में केवल अच्छी चीजें सुनी है और मैं आशा करती हूँ कि सिंधु जिले में मेरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहे और मैं प्रयास करूँगी मैं अच्छे अच्छे काम कर पाऊँ ताकि जिले का नाम आए। तो हम परिचय हो जाए, जैसे मेरा बोलने की तो आ नहीं परिचय भाषण बस। देखिए हर जिला अलग होता है। मेरे साथ मेरे 8 वर्ष के अनुभव में मैंने जितने भी जिले देखे हैं वो भी एक जिला दूसरे से मिला नहीं पा रहा है। एक जिले की जो प्राथमिकता है वो दूसरे जिले में हो तो इसलिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले इस जिले में समझूं कि इस जिले में मैं अपनी प्राथमिकता किस चीज को बनाऊं। पर अगर आप मेरे इंटरेस्ट एरिया पूछेंगे तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है और जो लाइवलीहुड से रिलेटेड यानी आजीविका से रिलेटेड काम करवाने का इंटरेस्ट है। गांधी कहीं मैं कह रही हूँ किस प्रकार का कार्य हमें करना है, जिले की प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। आप लोगों को क्या लगता है कि सिंधु जिले को किस प्रकार की आवश्यकता है? तो मेरे लिए भी एक इनपुट रहेगा कि आपको क्या लगता है कि जिले में क्या चीज की देखिए अपना मैंने जो अभी पिछले डेढ़ दो घंटे में समझा है और आपको ये एक जो हिंसा हुई है ये केवल हिंसा का रूप नहीं है, ये हमारे पूरे सामाजिक वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो इसमें तो एकदम नो टॉलरेंस अप्रोच मिलेगा। हमारे पुराने अध्यक्ष साहब तीन एनएससी कर रही है, आपको एनएससी अभी प्रस्तुत हो रही है, उसके ऊपर भी एनएससी की कार्रवाई हमारे द्वारा जारी रहेगी। इसी के साथ साथ हम दिखा रहे हैं कि हम और क्या कार्य कर सकते हैं ताकि इस प्रकार की जितनी भी हिंसा है जिसमें जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है और जो हमारे समाज के एकता और सभी को जोड़ती है उसमें कोई विचलन पैदा करती है उसमें तो जीरो टॉलरेंस रहेगा क्योंकि ये कोई एक आदमी के ऊपर घूम नहीं है तो उसके हमारे पूरे जिले से हमारे स्टेट से हमारे देश से। यदि आपने मुझे बताया है तो इसके लिए समाज से और देखना है कि क्या है आज शाम तक ऐसी साथ भी आ जाए कि हम गलत करने के लिए ऐसी साथ भी ना किस प्रकार से पुलिस प्रशासन में भी कड़ी कार्रवाई कर सके। पर ये एक बात तो है कि ये ऐसी कार्रवाई ना है जिसमें पुलिस प्रशासन दोनों की अहम भूमिका रहती है तो इस कार्रवाई से ठीक की तरह हम उसे अच्छी कार्रवाई करेंगे। मेरी तरफ से प्रशासन
इसके बारे में मैं अभी अभी क्या कमजोरियां रही उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं भी ये पूरा मसला है ये मैं समझ ही रही हूँ कि वाकई में हुआ क्या है। तो ये सेंसिटाइजेशन और इसको रिवाइज करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे ताकि हमें भी अधिक सूचना मिलती है जिला प्रशासन की ओर से, तो हम वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके कर सकें। पर देखिए ये बात भी जितना जरूरी है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम जितना अच्छा पुलिस कर सकते हैं उतना और कोई विभाग शायद ना कर सके। उसके लिए और 65 कट भी गए के बारे में एक बार जानकारी है उसके मूल रूप से क्या क्या कारण है इसमें मैं 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा बता सकता हूँ। कारण तो अभी तक ये बता नहीं पाए कल रही साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं बता पाया कि इसके पीछे मूल कारण क्या था क्यों ये घटना घटी। बस मैं यही कह रही हूँ 3 घंटे के अनुभव से मुझे अगर मैं कोई कारण आपको बता दूँ तो ये मेरी बेवकूफी होगी और आपको मान लेना बात करने में मुझे जिम्मेदारी है जिनको अपने आप ही जिम्मेदारी लेनी है और यदि मुझे कोई भी इस तरह की जानकारी मिलेगी तो उसके ऊपर ना नियम कर्मचारी कंट्रोल करने की क्वालिटी वो है तो मैंने सोचती हूँ तो वो ऐसा मानती हूँ कि हमारे जितने विभाग जिम्मेदार अधिकारी है जिनको अपने आप ही जिम्मेदारी लेनी है और यदि मुझे कोई भी इस तरह की जानकारी मिलेगी तो उसके ऊपर ना नियम शासन की ओर से बहुत सारे और भी विभाग जिनका ये काम भी
शहरी क्षेत्र में भी स्कूलों को बहुत ज्यादा शिक्षकों की कमी है, स्कूलों की ज्यादा पिछले लगभग डेढ़ दशक से जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, इनके मुखियाओं का मीडिया से काफी दूरी लग रही है। ये मैं पूरे पूरे प्रयास करूंगी। देखिए मैं पिछले कलेक्टर जितने कलेक्टर्स रहे हैं वो मीडिया से ना तो फोन से वो करते थे, ना ही उनको उनकी बात की जाती थी, ना ही कोई ऑफिशियल पर्सन आता था, ना ही एसपीज भी आते थे। आपको ऑफिशियल वर्जन दे रहे हैं। यदि कोई भी कार्य जिले में हो रहा है जो हमें लगता है कि आपके संज्ञान में होना चाहिए, उसके बारे में यदि बाइक आए ना हो तो भी प्रेस रिलीज निरंतर रूप से चलते रहेंगे। आप मुझे लगता है इतने से हमारा काफी कुछ कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, पर ये पाने के लिए आपसे ये भी अपेक्षा रहते रहेगी कि यदि कोई भी आपको लगता है कि कोई इशू हो जो मेरे संज्ञान में आना सके तो आप कृपया मेरे संज्ञान में लाएं। यदि मैं नाम भी नीचे कर दूं तो कृपया आप हमारे आपको ये जरूर बता दें, उनका दायित्व रहेगा कि अगर बाय चांस कहीं पर नहीं उठा पा रहे हैं तो उनको फ्री में कॉल कर दें। जनसंपर्क अधिकारी सर बाकी सब तो आपके पास पहुंची है कलेक्टर भी और कई बार होते हैं। मैं प्रयास करूंगी आप लोगों के फोन देखिए झूठ नहीं बोल रही हूँ, पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर पूरे समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रही, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, मीडिया से बहुत ज़्यादा दोस्ताना उनके द्वारा जो दिखाई दे रहा था वे ऐसा प्रतीत होता है कि सिवनी में मीडिया और प्रशासन के बीच की दूरी को शायद वे पाट पाएँ। मीडिया का पूरा सहयोग मिल देने का मीडिया के द्वारा भी भरोसा दिया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।